और आज भी जारी रहेगा लोकसभा का सत्र, जिसमें हंगामे के पूरे आसार हैं। मंगलवार को राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच बहस हो गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला किया था। तो सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी कहा जा रहा है कि आज भी लोकसभा का जो ये सत्र है काफी हंगामेदार रह सकता है। मंगलवार को राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच जबरदस्त तरीके से बहस हुई थी। बातचीत करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि वार पलटवार, बहुत सारी ऐसी बातें, एक दूसरे पर हमला, आज कैसा रहने वाला है ये मानसून सत्र? आज ये नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हंगामे की उम्मीद जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की पूरी तरह से कोशिश होगी कि बजट को जो है वो पास करवा लिया जाए, शिक्षा को लेकर के, या फिर अगर हम रेल को लेकर के बात करें तो बजट जो है वो पास करवाने की कोशिश जो है वो सरकार करेगी। लेकिन वहीं पर विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो लगातार करती रहेगी। कल हमने देखा कि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के विपक्षी पार्टियां जिस तरह से अपनी मांग कर रही थी, और कल अनुराग ठाकुर के एक बयान पर जिस तरह से राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, जाति को लेकर के जिस तरह से बात हुई थी उस पर जिस तरह से राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, आज भी 377 का जब समय आएगा उस वक्त जो है विपक्षी पार्टियों की ओर से नोटिस दिया गया है और जातीय जनगणना को लेकर के जो है वो बात की जा सकती है। वहीं पर सरकार की कोशिश रहेगी कि बजट को जो है वो पास करवा लिया जाए, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि हंगामा भी काफी ज्यादा हो सकता है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें कि आज भी हंगामा जारी रहेगा लोकसभा में, और हंगामे के पूरे आसार हैं राहुल गांधी और इन सब के बीच में हमने देखा। लेकिन अयोध्या की बात अब कर लेते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद सियासत प्राण प्रतिष्ठा पर हुई है। विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए। लेकिन अब नया सियासी कलेश शुरू हो चुका है। जिस पार्टी पर राम मंदिर निर्माण के विरोध का आरोप लगा, जिस पार्टी के नेताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली, अब उसी पार्टी के अध्यक्ष राम की नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। अयोध्या के नाम सियासत चमकाने का सपना देख रहे हैं। विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बना करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। अखिलेश यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं अयोध्या को वर्ल्ड क्लास नगरी बनाएंगे, लेकिन इसके पीछे वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा, ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार बनी तो अयोध्या के लिए काम करेंगे, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास नगरी बनाएंगे। यानी जो अखिलेश राम मंदिर निर्माण होने के बाद रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए, अब वो राम के नाम सियासी पैगाम दे रहे हैं। भी स्वीकार नहीं कर सकते, जब भी हम सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप माननीय सदस्य। और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे। को मैंने कहा हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बना करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। हालांकि इससे पहले भी अयोध्या का मुद्दा बजट सत्र के दौरान उठ चुका है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या के लिए बजट नहीं देने की बात कही और अयोध्या के नाम बीजेपी पर निशाना भी साधा, जिस पर फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने जवाब दिया है। मैंने वित्त मंत्री द्वारा रखे हुए 70 पृष्ठों के बजट को देखा और कई बार देखा, दूरबीन लगा कर देखा, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, मान्यवर वो अयोध्या है, प्रभु श्री राम की मर्यादा का अयोध्या है, जिसने केवल अयोध्या में ही नहीं प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में, और मान्यवर भारतीय जनता पार्टी ने
अयोध्या के नाम पर राजनीति की है। माल गोदाम का अयोध्या कैंट से सलारपुर का स्थानांतरण, कोल डिपो का अयोध्या से बिल्लहर घाट स्थानांतरण, 137 करोड़ रुपया भारत सरकार से पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत, और अयोध्या से जगदीशपुर की फोर लेन, अयोध्या से सुल्तानपुर को राष्ट्रीय महामार्ग के लिए का निर्माण। यानी अखिलेश की राजनीति अब अयोध्या पर शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है, आखिर अखिलेश यादव रामलला के दर्शन कब करने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।